हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दिल करे सपोर्ट करना। सपोर्ट कैसे करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब इट। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करना। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, बकवास लगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सीधा बात करते हैं आज के मुद्दे पर। वाई यू हैव टू चूज़ अल्बर्टा इफ़ यू आर अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर आप वर्क परमिट या LMR रिलेटेड जॉब पर भी आते हैं, then also you have to choose Alberta. But right now, I will talk about in the perspective of international students. So listen this video very carefully. If you have any questions, comment mein zarur batana. And if you want to follow me on Instagram, you can follow me on Instagram. Aapko meri Instagram ID show ho rahi hai screen pe. To baat karte hain mudde pe. Dekho, Alberta choose karne ke bahut sare reasons hai aur bahut sare benefits hai as compared to other provinces. अदर प्रोविंसेस में भी है, लेकिन अल्बर्टा के रिगार्डिंग मैं बात करूँगा, क्योंकि मैंने अल्बर्टा के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी प्रो एंड कॉन्स के रिगार्डिंग। देन व्हाई यू हैव टू चूज अल्बर्टा, अगर आप अल्बर्टा में सेटल होते हो या जाते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मैं आज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव से बात करूँगा एंड इट वुड बी अ वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। देखो, रीजन्स काफ़ी सारे हैं। पहला रीज़न ये है कि आप अल्बर्टा अगर आप चूज़ करते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी 2 ईयर्स का कोर्स लेते हो, डैट डजेंट मैटर कोई सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा है, या आप कोई भी कोर्स लेते हो और किसी भी फील्ड से, तो आप ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर द पीयर प्रोसेस के लिए। एंड दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेट प्रोसेस और बहुत ईजी प्रोसेस होता है अल्बर्टा में। अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हो, आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल तो हो जाओगे। उसके बाद आपको सिर्फ 6 मंथ्स का फुल टाइम वर्क करना है एंड उसके बाद आप PR के लिए फाइल लगा सकते हो। और PR फाइल लगाने के विदिन 3 to 4 के मंथ्स के अंदर आपको आपका PR कार्ड मिल जाएगा एंड इफ़ यू आर एलिजिबल। दूसरी चीज़, अल्बर्टा इज़ द वन ऑफ द एंड द ओनली प्रोविंस एक्सेप्ट नुनावत एंड अल्बर्टा जहाँ पे प्रोविंशियल टैक्स 0% है। कैनेडा में टोटल 13 प्रोविंसेस है, जितने भी प्रोविंसेस है, अल्बर्टा और नुनावत में जो प्रोविंशियल टैक्स होता है वो 0% है। और जो GST है वो 5% है। जो GST होता है, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, तो उसको जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई ग्रॉसरीज ले रहे हो या आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम ले रहे हो, कुछ भी XYZ आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, इस पर टैक्स लग रहा है, तो आपको सिर्फ उस पर 5% का GST पे करना है। आपको प्रोविंशियल टैक्स PVT नहीं पे करना होता, जो बाकी प्रोविंस में पे करना होता है। अगर मैं आपको ऑनटेरियो की बात करूँ तो ऑनटेरियो में 8% है, सस्कैचवन में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 7% है, और मैनिटोबा में भी 7 या 8% है, और ब्रिटिश कोलंबिया में 10-11% है। तो वहाँ पे आपका टैक्स काफ़ी अच्छा बचता है, आप अच्छी खासी सेविंग कर सकते हो। एंड सेम गोज़ टू अगर आप सैलरी बेस्ड हो या अगर आप इनकम अर्न करते हो पर आवर के हिसाब से भी, मतलब कि आप सिन पे वर्क कर रहे हो, तो सैलरी पे भी और सिन पे भी वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे आपके बहुत ही कम टैक्स लगते हैं, बहुत ही कम टैक्स लगते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। अगर टैक्स कम लगेगी तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आपकी सेविंग ज़्यादा होगी, आपके अकाउंट में ज़्यादा इनकम आएगी। अगर ज़्यादा इनकम आएगी तो आप ज़्यादा पैसे बचा सकते हो, और ज़्यादा पैसे बचाओगे तो आप डायरेक्टली अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो। चौथी चीज़, अल्बर्टा में रेंट एंड एकोमोडेशन के हिसाब से, अगर मैं स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में बताऊँ, तो यार बच्चों के माइंड में सबसे पहले 2 चीज़ें होती है जब भी वो यहाँ पे आते हैं, रेंट एंड एकोमोडेशन, कितना सस्ता होगा, कितना महंगा होगा, और हमें पार्ट टाइम जॉब्स या फुल टाइम जॉब्स हमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो वो पार्ट टाइम जॉब्स पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना कॉलेज भी देखना है, असाइनमेंट भी पढ़ना है, असाइनमेंट भी कवरअप करना है, फीस भी पे करनी है नेक्स्ट सेमेस्टर की, तो काफ़ी चीज़ें होती है। तो रेंट एकोमोडेशन के बारे में बात करता हूँ। रेंट एकोमोडेशन बहुत सस्ता है अल्बर्टा में, काफ़ी सस्ता है। और अल्बर्टा में सबसे अच्छी बात यह है कि अल्बर्टा में 2 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, एडमिंटन एंड कैलगरी। तो मैं एडमिंटन कैलगरी को लेके ही चल रहा हूँ। एडमिंटन कैलगरी में अगर आप रहते हो, अगर आप शेयरिंग रूम लेते हो, तो आपको पड़ता है $600 से $700 मैक्सिमम से मैक्सिमम, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। अगर आप 1 शेयरिंग रूम लेते हो जो आपका इंडिविजुअल होगा, जो आप टाउन हाउस में लोगे, अगर आप सेम गोज़ टू अगर आप अपार्टमेंट लेते हो 1 BHK अपार्टमेंट, तो आपको पड़ेगा $800 से लेके $1000 तक, जो आपको नियर बाय डाउनटाउन पड़ेगा, अगर आप चाहे एडमिंटन में लो चाहे कैलगरी में लो। इसमें मैं एक आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो 3-4 बच्चे एक साथ लेते हैं अपार्टमेंट, देन डेट वुड बी अ वेरी ग्रेट फॉर यू। उसका रीज़न ये है
कि आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे, आप चीज़ों को इजीली अफोर्ड भी कर पाओगे। और अगर आप अपार्टमेंट में लेते हो, क्योंकि अपार्टमेंट में बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं और बहुत सारे घर होते हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, तो आप काफ़ी लोगों से मिलते हो। और जब काफ़ी लोगों से मिलते हो तो आपका कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है, आप काफ़ी लोगों को जानते हो और आपके मतलब बातचीत होती है। जब बातचीत होगी तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब, क्योंकि हर पर्सन कोई ना कोई जॉब कर रहा होता है और हर कोई पर्सन किसी ना किसी डिफरेंट फील्ड में होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई ओल्ड हो या कोई नया नया इमिग्रेंट हो, चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो, तो आपको डाइवर्स कल्चर भी यहाँ पे मिल जाता है अपार्टमेंट्स में। और दूसरी चीज़, तो क्या कैनेडा की जो लाइफ है ना काफ़ी स्लो है, एक्सेप्ट 3-4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ के। तो जब आप ऐसी सिटीज़ में रहते हो, अपार्टमेंट्स में रहते हो, तो आपको एक हैपनिंग चीज़ें मिलती है, लाइफ हैपनिंग होती है, आपको लोग नए नए लोग दिखते हैं, आपकी बातचीत होती है। सो अपार्टमेंट लेना डेट वुड बी अ ग्रेट आइडिया इन टर्म्स ऑफ, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग बात करो तो। अब बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब के रिगार्डिंग। देखो यार, हर किसी के माइंड में सबसे पहले ये होती है, पहला ये होता है कि हमें पार्ट टाइम जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अगर मिल पाएगी तो किस तरह की मिलेगी? देखो, एडमंटन में, कैलगरी में आपको आराम से अच्छी खासी पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है हर फील्ड से, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से हो, आईटी फील्ड से हो, रिटेल से हो, रिटेल में बहुत सारे आपको रिटेल चेन मिल जाएंगे, वॉलमार्ट, कॉस्को, डॉलोरामा, अदर रिटेल चेन्स भी है और लोकल स्टोर्स भी है, साथ साथ आपको सबवे, डोमिनोज, बहुत सारे कैफेज़ है, आपको अच्छे खासी चीज़ें मिलेंगी। तो आपके पास पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, करने वाले बनोगे आराम से मिल जाएगी। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि जब बच्चा जब जाता है तो वो कहता है कि हमारे पास तो सिर्फ 20 घंटे ही हम कर सकते हैं, क्योंकि हम 20 घंटे के लिए अलाउड है। तो हम अगर हम कैश में वर्क करें तो कैश की अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी है। पहले बता दूँ, डैट इज़ इलीगल, पकड़े गए तो यू विल बी डिपोर्टेड। तो अगर आप कैश में वर्क करते हो तो आप अपने बिहाफ पे करोगे, ठीक है, लेकिन आपको कैश की जॉब से मिल जाती है। आप रिक्रूटमेंट एजेंसी लाइक आप सर्च करो रिक्रूटमेंट एजेंसी इन एडमंटन, रिक्रूटमेंट एजेंसी इन कैलगरी, तो आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़, आपको बहुत सारी एजेंसी मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके अपना CV शेयर करो और शेयर करने के बाद वो आपको कहीं ना कहीं लगा दे किसी ना किसी वेयर हाउस में या किसी ना किसी लोकल स्टोर्स पे। जो मेन मुद्दा होता है, जो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट के माइंड में होता है, कि वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने तक आपको कहीं भी जाना है, क्योंकि आपके पास गाड़ी तो है नहीं, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही यूज़ करना होता है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, बस सर्विस अच्छी होगी, मेट्रो होगी, तो आपके लिए वो काफ़ी कन्वीनियंट होगा, आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा पाओगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो काफ़ी टाइम आपका सेव हो जाता है और आप अच्छे खासे भी पैसे अर्न कर लेते हो। और आपको सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सिर्फ कॉलेज नहीं जाना होता है, ना ही आपको ऑफिस जाना होता है, घूमने भी जाना होता है, क्योंकि आप यहाँ पे आप सिर्फ पढ़ाई करने तो आई नहीं हो, घूमने भी आई हो। ज़िंदगी में से पढ़ाई तो करना नहीं है, पढ़ाई तो करना एक मकसद है, बाकी पिया पना तो मोटिव है हमारा, पढ़ाई तो महान है, मकसद तुम्हारा पियर पाना है, अगर इन शॉर्ट में बात करूँ तो। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आपको एडमंटन कैलगरी के रिगार्डिंग बात करूँ, एडमंटन कैलगरी में अच्छा खासा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। देखो, अगर आप स्मॉल रूरल एरिया में जाते हो, अल्बर्टा में या छोटे मोटे टाउन्स में जाते हो, तो वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ख़राब है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे वहाँ पे पब्लिक बस है, जिनकी सर्विस बाकी प्रोविंस की तरह ही है, जो 50 मिनट में, 40 मिनट में या एक घंटे में आती है। लेकिन अगर आपको मैं एडमंटन कैलगरी के रिगार्डिंग बात करूँ, तो वहाँ पे 15-20 मिनट में आराम से सर्विस आती है, और सर्विस भी अच्छी है और बसेस की फ्रिक्वेंसी भी अच्छी है, साथ ही साथ वहाँ पे LRT MRT भी है। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हो तो आपका $100 का बस पास बनता है, जो मंथली होता है, और आप इसे बस में भी चला सकते हो, आप इसे मेट्रो में भी चला सकते हो, जो वहाँ की LRT MRT ट्रेन होती है। तो ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है, अनलिमिटेड राइड्स होती है, तो आप जॉब पे जाओ, कॉलेज जाओ या कहीं घूमने जाओ, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, मतलब एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करूँगा। तो अल्बर्टा में सबसे अच्छी बात यह है कि अल्बर्टा का एजुकेशन जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है, जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस है वो काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि जितने भी मेनली टॉप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस है वो सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ही है, मतलब एडमंटन, कैलगरी में ही उनका कैंपस है। तो अगर कोई बच्चा स्टडी ओरिएंटेड है, मतलब चाहता है कि मैं अच्छी जगह पढ़ाई भी करूँ, कनाडा में अगर आ रहा हूँ, PR तो मेरा मकसद है ही, लेकिन वो पढ़ाई भी अच्छी चाहिए,
तो अल्बर्टा इज़ द वन ऑफ द प्रोविंस जो ये दोनों चीज़ें फुलफ़िल करती है, जल्दी पीआर मिलेगा, अच्छी पढ़ाई भी है। तो अल्बर्टा में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, या मैकमन यूनिवर्सिटी, या बो वैली कॉलेज, या साउथर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है जहाँ पे आपको अच्छा खासा, अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ है, अच्छे खासे उनके कोर्सेज है, फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है और उनकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है। तो यार एक चीज़ मैं आपको बात शेयर करना चाहूँगा, आप किसी भी एजेंट से करवाते हो, किसी एजेंट से फॉर्म फिल करवाते हो, एडमिशन फॉर्म, या आईडीपी से भी करवाते हो, देखो वो एजेंट आईडीपी वाले आपको वहाँ उस जगह भेजेंगे जहाँ पे उनको बेनिफिट हो रहा होगा। देखो कोई भी काम यहाँ पे फ्री में नहीं होता। अगर कोई आईडीपी वाले आपके फ्री में काम कर रहे हैं, एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं, या आपका पासपोर्ट मतलब आपकी वीज़ा लगवा रहे हैं, तो वो फ्री में नहीं कर रहे। तो मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर वो आपका किसी जगह एडमिशन करवा रहे हो तो उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी से उनको पैसा मिलता है। कोई भी काम यहाँ पे फ्री में नहीं होता। आपको लगता होगा कि वो हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं, हमारे लिए ये कर रहे हैं, नहीं, कोई भी काम फ्री में नहीं होता। वो आपको वहाँ भेजेंगे जहाँ से उनको बेनिफिट होगा, लेकिन आपको वहाँ पे जाना है जहाँ से आपको बेनिफिट हो, आपको जल्दी पीआर मिले, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हो, सिटी हैपनिंग हो, जगह बढ़िया हो, सीनिक व्यूज हो। मतलब ये तो बात की बात है, लेकिन ये चीज़ें पहली जो चीज़ें मैंने बोली, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो वहाँ पे जाओ जहाँ पे आपको बेनिफिट मिले, अपना दिमाग लगाओ, एजेंट की मत सुनो। अगर आपके इस आईलेट्स में स्कोर ओवरऑल 6 आ रहे हैं और एक मॉड्यूल में 5.5 है, तो देखो फिर तो जहाँ मिल जाए कर लो। लेकिन अगर आपका ओवरऑल 6.5 है और कोई भी कैटेगरी में, कोई भी मॉड्यूल में नॉट लेस देन 6 है, तो आपके पास ऑप्शंस है, आप आराम से अप्लाई करो। अगर जनवरी इनटेक का नहीं मिलता तो मई इनटेक का लो, मई इनटेक का नहीं मिलता सितंबर इनटेक का लो, लेकिन लो वहीं पे जहाँ पे आपको बेनिफिट मिले। 3-4 महीने, 1 साल वेस्ट होगा, लेकिन वहाँ पे लो जहाँ पे आपको बेनिफिट मिले। देखो यार, आइदर 2 ईयर्स ऑफ सेक्रीफाइस और या 20 साल का स्ट्रगल, तो 1 साल का ख़राब हो भी जाता है। 1 साल में आपको एडमिशन नहीं मिलता, आपको कुछ सितंबर इनटेक का मिल रहा है, जनवरी इनटेक का नहीं मिल रहा, कोई इशू नहीं है, सितंबर इनटेक का लो, लेकिन वहाँ पे लो जहाँ पे आपको फ़ायदा हो, ना कि आपके एजेंट्स को फ़ायदा हो। दूसरी सबसे अच्छी बात, अल्बर्टा में ना हेल्थ केयर बहुत अच्छा है। मतलब हेल्थ केयर तो हर जगह कनाडा में एक जैसा ही है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हेल्थ केयर अच्छा है। अब कैसे, देखो बाकी जगह होता क्या है कि अगर आपको हेल्थ केयर यहाँ पे फैसिलिटी फ्री मिलती है कनाडा में ओवरऑल, वो भी उनको जिनके पास पीआर है या जो कैनेडियन सिटीजन है, लेकिन अल्बर्टा इज़ द ओनली प्रोविंस जहाँ पे अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या वर्क परमिट में भी हो, तो आपका हेल्थ केयर आपको फ्री मिलेगा। आप अपना हेल्थ केयर मतलब हेल्थ कार्ड बना सकते हो, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ज़रूरी नहीं कि आपको उसके लिए पीआर होना चाहिए या आपके पास कैनेडियन सिटीजन होनी चाहिए। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, दैट वुड बी अ ग्रेट, आपको हेल्थ केयर मिलेगा, हेल्थ कार्ड बनेगा और आप हेल्थ केयर उसकी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे अच्छी बात अल्बर्टा में ये है कि बाकी प्रोविंस में आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। देखो यार, कोई भी सिटी परफेक्ट नहीं होती, हर प्रोविंस परफेक्ट नहीं होता। अगर किसी के प्रो है तो उसे कॉन्स भी हो गए, नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो गए। अल्बर्टा में जो टेम्परेचर जाता है, अगर मैं वेदर की बात करूँ तो वेदर एक्सट्रीम जाता है। अगर मैं आपको समर्स की बात करूं तो समर्स में इतनी धूप भी नहीं होती, मतलब टेम्परेचर जो होता है वो 15-20 डिग्री जाता है। लेकिन अगर मैं आपको विंटर्स की बात करूं तो जो विंटर्स का टेम्परेचर होता है वो आराम से -30-40 डिग्री जाता है। अगर आप इस टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, देन इट वुड बी अ ग्रेट। तो आप अल्बर्टा ज़रूर जाइए। अगर आप इस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते तो फिर अल्बर्टा आना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो आप फिर मैं कहूँगा ब्रिटिश कोलंबिया जाओ, वहाँ पे आपको 5-6 साल लगते हैं टू गेट अ पीआर। लेकिन विंटर्स पूरे कनाडा में ही हार्श है, हर जगह हार्श है, कई ज़्यादा हार्श है, कई कम हार्श है, एक्सेप्ट ब्रिटिश कोलंबिया। दूसरी चीज़, अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से, किसी भी साउथ ईस्ट एशिया से या साउथ एशिया रीजन से आप आ रहे हैं, तो कोई भी ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग तो कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती अल्बर्टा के लिए। तो अल्बर्टा थोड़ा कटा हुआ इन शॉर्ट, मतलब थोड़ा अलग ही जगह पड़ता है। तो मतलब आपको कभी भी अल्बर्टा जाना है, इंडिया से आना है, तो आपकी हमेशा कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी, या तो मॉन्ट्रियल के थ्रू या तो कनेक्टिंग फ़्लाइट थ्रू टोरंटो। तो मतलब आपको कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती। तो ये उसका एक 2 मेजर ड्रॉबैक है। बाकी ओवरऑल सीनिक व्यूज़ है, एडवेंचर्स है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो अल्बर्टा इज़ फॉर यू।
सीनिक व्यूज के अल्बर्टा के बहुत सुंदर है। अल्बर्टा बहुत सुंदर प्रोविंस है। आई वुड से इट्स अ हेवन, हेवन ऑन अर्थ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट सो गिव अ थम्स अप एंड इफ यू वॉन्ट टू शेयर यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट मी यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग इट एंड इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम माई आई डी इज नवल डॉट चावला। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ।